ये तुम्हारा क्या है? सामने आ जाता है सर, और जब पृथ्वी के बीच में चांद हो जाता है और सूरज और पृथ्वी के बीच में जब चांद होता है तब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है जब चांद के बीच में पृथ्वी आती है और सूरज और चांद के बीच में पृथ्वी आती है तब चंद्र ग्रहण चला।
उसी का नाम सर मानव कल्याण में जीवन विद्या। इसमें हमारा जो इंटरेस्ट है सर, हम हमारा उद्देश्य गाँव को विकसित बनाकर लोगों को शहरों पर प्रस्थान से रोकना हमारा उद्देश्य रहा है सर। इसमें विकास के आठवें और ग्रामीण लक्ष्य को ध्यान में रखें। इसके तहत ऐसी व्यवस्था गाँव ने तैयार की है जिससे हमारा देश विकासशील के मार्ग को थोड़ा तेज किया जाए। इसके अंदर मैंने क्या किया सर कि ग्राम प्रधान द्वारा एक व्यवस्था पर संचालित की है जिसके अंतर्गत हमने गांव की परिकल्पना की। एक गांव है और इस गांव में हमने जो है दो चार घर के बगल में चार जगह डस्टबिन रखा है और इन डस्टबिन में जो हमें चीज़ें प्राप्त होगी उनको हम कच्चे माल के तरीके उत्पाद मतलब इस्तेमाल करेंगे। जैसे हाउस होल्ड से जो कचरे निकलते हैं जी सर, इसमें हम चार तरीके के सर डस्टबिन रखाए हैं जिसमें हमने रखा है कि जो पीले कचरा है मतलब पीला डिब्बा, इसमें आपको कूड़ेदार मिट्टी डालनी मतलब कूड़ा घर का जो गोबर है ये कूड़ेदार मिट्टी डालनी है, हरे में आपको छिलके डालने, भूरे में आपको सुबह शाम को बचा हुआ अनाज डालना है और लाल वाइट में आपको प्लास्टिक डालना है। प्लास्टिक को बेसिकली हम ध्यान में इस वजह दे रहे हैं कि जो गांव में क्या होता है लोग प्लास्टिक घर पर फेंकते हैं जो मैं जमीन की रोड़ा सकती थी एकदम नष्ट हो जाती है पैदावार एकदम मतलब गांव इस वजह से हम पूरे गांव के प्लास्टिक को यहाँ पर स्टोर करने की व्यवस्था करें। अब उनको हम बताएं कि आप लोग इसमें डालिए जो परिवार इसमें चीज़ें डालेंगे उसे उसकी उस व्यक्ति की छवि को गाँव में बढ़ाने के लिए कुछ नाम भी देंगे ग्राम प्रधान द्वारा या 50 रुपये सप्ताह की दर से उनको हम देंगे जो लोग इसमें डालेंगे। वो पैसा कहाँ से आएगा, उनकी अलग तरीके की व्यवस्था होगी जहाँ से पैसा आएगा। इसके अंदर हमने चार अब क्या करेंगे सर, गांव के बगल में दो बीघे की जमीन छोड़ी और वहां पर हम ये दो तरीके की अलग फाड़ेंगे एक अलग और चार तरीके की दस किस्म की जमीन बनाएंगे और यहां पर हम क्या करेंगे सर इन दोनों के लिए काउडंग जो है और जो ग्रीन प्लस जो मतलब छिलके हुए और जो गोबर हुआ इन दोनों को लेकर इकट्ठा करेंगे यहाँ इस 10 किस्से की मतलब उस गाँव की जितना भी ये चीज़ होगी उनको यहाँ पर उनको यहाँ बनाएंगे और भी संभव सर 1.5 से 2 महीने। अब यहाँ पे क्या होगा वर्मी को किचवा पालन करेंगे और वर्मी खाद अच्छी तरीके से बनाए कुछ वैज्ञानिक तरीकों का भी उपयोग करेंगे और ये खाद बना के इन्हीं ग्रामवासियों को भी दिखाएंगे और उससे लेंगे हम इससे पैसे मतलब वो जो पैसा होंगे उसमें यस सर उन्हीं को देंगे यस सर। और उसमें जो हमको जो भी पैसा आएगा उनको जो काम कर रहे हैं लोगों को पैसा के रूप में मतलब भुगतान के रूप में दिया सैलरी में भुगतान किया जाएगा। बगल में जो 10 किस्से की जमीन है हमने क्या किया इसमें प्लास्टिक नहीं लाल डिब्बे में लोगों की प्लास्टिक वहाँ डंप करना है और ये प्लास्टिक जब यहाँ पर डंप हो जाएगी तो हम एक गाँव के प्लास्टिक को जगह पर अगर हमारे गाँव देश में जितनी भी गाँव है सभी जब प्लास्टिक इकट्ठा होंगी तो गाँव के अलग लोग बड़े भी उद्योगपति जो भी उद्योगपति जो अपना लाभ कमाना चाहते हैं गाँव में प्लास्टिक को अलग करेंगे थर्मो प्लास्टिक थर्मोसेटिक प्लास्टिक और जो गाँव को मान लीजिए गाँव की आबादी मान लीजिए 500 कुल मिला के जितना भी जो प्लास्टिक वहाँ पर हो सके उनको हम अलग कर हमारा मेन उद्देश्य है कि हम जो है जो हमारे हाँ नहीं वो जो गांव में हमारा जो कचरा मतलब कूड़ा सकते खत्म हो रहा है उसको नष्ट करना है और उसको रोकना है और उसको अलग स्टोर करना यस सर। थर्मो प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में पहले देखेंगे कौन सी रिसाइकिलिंग करने वाली है कौन सी नहीं करनी जो होगी उसको हम रिसाइकिलिंग करेंगे जो नहीं होगी उसको नहीं करेंगे। अब गांव लेवल पे जब 10-50 गांव में ऐसा हो जाएगा तो कोई अलग सा उद्योग सरकार द्वारा कोई व्यवस्था होगी जिसमें हम वैज्ञानिक तरीकों से उसका विस्तार किया। इसके बाद हमने क्या किया कि गाँव में सर ये जो यहाँ पर स्टेल बुक जो बचा हुआ अनाज है लोगों से बताया कि अपना अनाज यहाँ डाले क्या होता है बाहर लोग डाल देते हैं तमाम सारी बीमारियाँ होती हैं फसल खड़िया पैदा होती है कंटामिनेशन भी डिक्रीज हो जाएगा सीवेज की प्रॉब्लम डिक्रीज हो जाएगी और उसमें पैसा आएगा सर वो जो सीवेज ट्रीटमेंट लगाएंगे उसके सस्ते उनकी ट्रीटमेंट भी लगेगा इसके सर वो वहाँ पर हम वापस ये पानी जो फिल्टर करेगा दोबारा हमारे ठंड पानी को हमारे इसी में निकालेगा और ये हमारा जो कूलर है हमारा यही चल रहा है फिल्टर करेगा और जी हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा ये
कंडीशन है। चल गया उस वक्त थोड़ा पहले कहा है इसको हमने सिलेक्ट कर रखा है इसको जब चाहो यूज कर। भाई हो क्या उसको प्रोग्राम थोड़ी बहुत उसका मतलब सर ये मतलब किसी भी थोड़ी इमेज को हमें 3D में विजुलाइज करने में सहायता करता है। वैसे ही इसका जो इमेज होता है उसको मतलब लाइट बीम्स को एकत्रित करके ये प्रकाश की तरह से डिफ्रेक्शन पर आधारित होता है जैसे लाइट बीम को एकत्रित करके कोशिश कर देता है जिससे उसका 3D में इमेज देखने में आसानी होती है। उससे मतलब इसका उपयोग क्लास में होती है अपने क्लास में परेशानी होती थी इसीलिए मतलब बहुत कम काज बना कर देखे आगे बढ़ाया जाए देखेंगे तो फिर नुकसान नहीं होगा। कौन सी क्लास तुम्हारी जगत जीत है वहाँ जगत जीती है ना यस सर वहाँ क्या नहीं नहीं कॉलेज का नाम आरती इंटर कॉलेज आरती तुम लोग भी हो सर भाई आप मेरे फैक्ट्री का फैक्ट्री में तुम्हारे कभी कभी आरती नहीं पीते एडमियम मरकरी बहुत ही जो खतरनाक पदार्थ है तो इसके लिए सर और पावरफुल फिट है जो कि आप मानते हैं अगर कुछ आर हो जैसा मैं उसका बता दें शायद थोड़ा सा काम यहाँ वाला जो पानी है इसमें कुछ आर हो जैसे जिसका वेट है और अच्छा होगा है ना यही एक ऐड करना हाँ तो आप घर में आरो पानी यूज करते हो करते हो कि नहीं तो सोचो अगर दे दो अगर हानिकारक नहीं हुई चिपक जाएंगे और वही एब्जॉर्ब होने के बाद उसको हमें यूज कर सकते हैं।
मतलब हर चीज में जो भी फैक्ट्री है उसका पहले बेल्ट को लगा देते हैं तो वहाँ से कार्बन निकलेगी पानी का जल हो जाएगा पानी को हम लोग और कुछ बताइए ये लाइट प्रोड्यूस करने के लिए भी इसमें कुछ कर सकते हैं अगर सोलर पैनल लगा दें तो सोलर पैनल सर लगाए नहीं है सर फैक्ट्री के ऊपर स्पीड नहीं बढ़ सकती 35 से 40 के बीच में स्पीड आपका 35 से 40 का वो रखेगा अगर आप इसको पहन दें तभी वो बढ़ा दें पावरफुल होगा इसकी बैटरी की घास काट सकेंगे
गार्डन में होते हैं। मान लो कितना आकार सरफेस होगा, मुझे सोलर पैनल कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएगा कि वो आज कर सके, क्योंकि मोटर चलता है। देखो आप देखो मशीन चलता है, मोटर चलता है। सर इसकी बैटरी मतलब इलेक्ट्रिसिटी से भी चार्ज हो जाती है और सोलर पैनल से भी चार्ज हो जाती है, तो इसका मतलब ये कर रहे हैं कि बैटरी से ही हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। जैसे अगर कोई जाना मतलब बैटरी है तो उसी भी रिक्शा में या वाकई मोटर लगा रहे तो मूव करता है, मतलब बड़ी बड़ी जगह पर लगाने से दो तीन बैटरी इंडक्शन चल जाती है ना, इसलिए से वो मोटर की जैसे आया भी करता है तो उसमें उसकी वजह से डेट भी चल जाएगा। तो अक्सर होता है वाई फाई का जो सर्वर तो बहुत ज्यादा डाउन है क्योंकि उसकी जो स्पीड है वो 5 GB/s है, लेकिन वाई फाई में होता है लाइट का इसकी स्पीड 224 GB/s होती है और इसमें हैकर्स की प्रॉब्लम भी नहीं होती है क्योंकि वाईफाई में होता है कि अगर जहाँ तक रेडियो वेव्स रहती है वहाँ तक कोई भी हैक कर सकता है हमारे मोबाइल को, लेकिन इसमें जहाँ तक लाइट रहेगा वहीं तक ही डाटा ट्रांसफर होगा, तो इससे कोई अदर जो करंट होगा वो इसको हैक नहीं कर सकता है। और फिर इस चीज़ की स्पीड भी बहुत अच्छी रहती है और आजकल तो ऑप्टिकल से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब ज़्यादातर इसी पर एक चल रहे हैं, तो इसीलिए हमने इसका यूज किया है इसको बनाने में। सर यहाँ पे मैंने बैटरी के माध्यम से एक LED यूज किया, LED लाइट जनरेट हो रही है। यस सर लाइट हो रही है और यहाँ पे मैंने सोलर पैनल यूज किया, इसके अंदर मैं सोलर पैनल को वूफर से कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे वूफर मैंने कोई भी ब्लूटूथ ऑन नहीं किया हुआ है और ये लाइट को सोलर पैनल के यहाँ से ऑडियो में कनेक्ट कर रहा है। इसका यूज हम मतलब और भी ऑडियो पर यूज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे छोटे मॉडल के रूप में मैंने इसका यूज किया हुआ है। मतलब इसका जो पावर है इससे मिल जाएगा, यस सर सोलर पैनल को पावर कहाँ मिल रहा है? ये लाइट से इसमें LED का यूज होगा, बाहर से कोई भी जैसे सूर्य के प्रकाश आएगी तो ये उस पर काम नहीं करेगा, इस पर LED की लाइट ही चलेगी। नहीं यहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी का लाइट का इस्तेमाल करते हैं ट्रांसमिशन। यस सर बिल्कुल 10 ही से फिर ये कर रहे हैं नीचे से बना रहे हैं जो है क्या मत्स्य पालन करके नीचे से गड्ढा मतलब 10-20 सेंटीमीटर इसके ऊपर हम मुर्गी पालन करें और वो जो 10-20 है हमारे एरिया उनमें ये तीनों चीज़ का निस्तारण होगा, जो भी चीज़ें बनने वाली होंगी वो बनेंगी। इसके अंदर हमने क्या किया है सर, सबसे पहले हम मत्स्य पालन इसके ऊपर हम कुक्कुट पालन करते हैं। सर जब हम कुक्कुट पालन अलग करते हैं तो आउटपुट 100% नहीं होता, अधिकतर क्या हम मुंडे यानी सब संक्रमित हो जाते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता जी। तुम प्रयत्न में इस स्कूल में हो? अच्छा तुमने क्या किया बताओ? सर एडेप्टिव स्ट्रीट लाइटिंग जैसे कि जो आज के जनरेशन में ऐसा हो रहा है कि स्ट्रीट लाइट में जो लाइट्स लगी हुई है वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है, उसमें दिन में भी जला करती है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत वेस्ट हो रही है। नहीं अब तो LED आ गई है। नहीं सर होता है अभी भी कई जगह नहीं लगा है और एक और बड़ा रीज़न ये है कि अगर जो लाइट कंटिन्यूसली जलती है तो उसका फ्यूज होने का भी काफ़ी डर रहता है, इसमें सर ये है ऐसे सेंसर इसमें लाइट लगी LED कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सामने से पास करेगा कोई भी कार या कोई भी व्हीकल्स तो सर जो लाइट से जो LED लगी वो अपने आप ऑब्जेक्ट या व्हीकल्स को सेंस करके अपने आप ऑन ऑफ हो जाया करेगा। तो इससे सर ये भी है कि इन फ्यूचर हम लोग की जो इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग अभी वेस्ट करें वो आगे हम लोग को फ्यूचर में बहुत काम देगी, जो अभी हम लोग सेव कर देंगे। और इसमें ऐसा भी है कि सर उसमें पैसे भी काफ़ी उतने खर्च नहीं होंगे, बाकी इसके यही होंगे सर। डिस्ट्रीब्यूशन में जब आती है शहरी काट के उसमें गाँव में जो देंगे गाँव के काट के शहर में कहीं ना कहीं आखिर उसका यूज़ तो हो ही रहा है ना।
चालू हो तो एलईडी में वैसे बहुत कम लाइट बहुत कम लेकिन कहीं ना कहीं एलईडी शुरू हो गई है लेकिन ये पहले वाले तो ज़्यादा होगा लेकिन चूज का कहीं ज़्यादा वो रीज़न है सबसे बड़ा पेड़ कहाँ लगाई है सब पेड़ वो ऐसे मतलब रोड साइड में जो लगे रहते हैं वहीं सब तो नए कौन से पेड़ कोई लगाए जाते हैं आप कहाँ देखिए पेड़ लगे हुए सर रोड साइड में जो बीच में या जो साइड हाँ वो बीच में कहीं उनको नहीं मिले जो छोटी छोटी जो पेड़ इसमें क्या दिक्कत है पेड़ क्यों नहीं लगाते पहले कॉन्सेप्ट था उसका भी पेड़ लगाए जाते थे तो पेड़ दोनों तरफ से ऐसे जुड़ जाते थे कभी बन जाते थे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये था कि हम ऐसे चले टेम्पू लगे हम पेड़ों की गुफा में चल रहे दोनों पेड़ मिल जाते थे लेकिन उसकी दिक्कत क्या थी कि पानी का और जो कोलतार इसमें यूज़ होता है दोनों में आपस में बहुत दोनों दुश्मन हैं बहुत पानी जब बरसात तो रुक गई पानी टिप टिप फिरता रहता है पेड़ों से तो वो उसको रोड़ी वहाँ से उखाड़ देते हैं और फाइनली रोड खराब हो जाती है इसलिए अब बड़े पेड़ों का कॉन्सेप्ट रोड से ख़त्म हो गया अब देखो कि फूल लगेंगे या झाड़ टाइप के जो कट ये देख लो इस प्रोजेक्ट को देख लो यहाँ पे अभी बहुत अच्छे से लो ये कितने सुंदर प्रोजेक्ट का सारे ये आप ही का चूज किया हुआ है जो मैंने बेस्ट वन को सभी लोग चुनते हैं बहुत अच्छा बनाया है भाई आप लोगों ने देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है वाओ चम्मच का प्रयोग किया है इसमें जो जल पहले जो दूसरे जल है उसी को सिद्ध करें तो सबसे पहले जो दूसरे जल है अब यहीं से जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है दूसरे जल के प्रबंधन की घट्टा कहाँ गया दूसरे जल तुमने सर यहाँ घर का दूसरे जल नदी तालाब में तो कहाँ जगह जगह नाले गिरते हैं तो सर उन्हीं चीज़ों को हम शुद्ध कर लिए स्कोर कर लिया सर उसके अंदर यहाँ पे हमने ऊपर कैसे लिया और उसके पश्चात यहाँ पे हमने जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है जो पानी में पाए जाने वाले वायरस बैक्टीरिया जीवाणु सर इसमें सर जैसे कि इसमें जो रियल फिल्टर की बात करें तो मैंने वो नहीं यूज किया सर इसमें मैंने घरेलू फिल्टर का यूज किया जैसे कि सर सबसे पहले जो मैंने एक बॉटल ली है उसके अंदर मैंने बालू डाला है उसके ऊपर से मैंने जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उनको डाला है फिर उसके ऊपर से मैंने कोयला बहुत धीमी प्रक्रिया है ना तो टिप टिप गिरेगी उसमें धारा प्रवाह होगा नहीं सर तो बहुत धीरे से कर रहे हैं और ऐसे अगर बड़ी प्रक्रिया की बात करें तो हम जिसमें फिल्टर लगा के कर रखते हैं फिर और उसके बाद डिसइंफेक्शन सर इसके अंतर्गत हमने जो जल में जो जैसे कि जल तो हमारे यहाँ पे जो जीवाणु बैक्टीरिया हो तो सब खत्म हो गए लेकिन तो सर जैसे कि जो उसमें ताजगी जो ज़्यादा पन है सर वो अभी तक नहीं आया तो डिसइंफेक्शन प्रक्रिया के अंतर्गत हम जल में क्लोरीन मिलाएंगे भूल जाते हो बेटा ये सब चीज़ें हो रही हैं ये जो प्रोजेक्ट्स वगैरह इसलिए होते हैं कि नीचे से कोई ऐसी इनोवेटिव चीज़ है जो अब तक हो ना रही है ये तो ये मैनेजमेंट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तो हर जगह लगेगा